तो डेट इज़ द प्लेस दैट आई वॉज थॉकिंग अबाउट। जब आप खिड़की खोल के इधर देखेंगे पीछे तो सब वाडिया पहाड़। और इस रिजॉर्ट का नाम है, जब आप लोग वालोंग पे आएंगे, इंडिया का लास्ट जो बॉर्डर एरिया के सामने आएंगे, चाइना और इंडिया के बॉर्डर के सामने अरुणाचल प्रदेश में, तो नामती रिजॉर्ट। जो सनराइज है ना, जो इंडिया फर्स्ट सनराइज, वो इधर भी दिखाई देता है। पैदल चल रहे हैं, गाड़ी चाहिए। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये आसमान, ये मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मेरा अपना बैकग्राउंड दिखाऊंगा। ये देखिए कैसा लग रहा है बैकग्राउंड। और जहाँ मैं हूँ यहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाऊंगा, यहाँ कैसा है, यहाँ का घर कैसा होता है। वालोंग जो इंडिया के जो लास्ट जो जगह है ना, उस एरिया का आदमी लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का घर कैसा होता है, वो थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखाऊंगा। मैं जहाँ पे हूँ वो रहने का जगह भी दिखाऊंगा और यहाँ का सराउंडिंग आप लोग को दिखाऊंगा। ओके, कैमरा को रियल कैमरा से दिखा रहा हूँ। तो ये है घर और यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, नमती वार मेमोरियल अंदर वालोंग। वालोंग कहते हैं इस जगह को। ओके, तो मैं कह रहा था ना वालोंग। और कैमरा का 360 डिग्री से आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा। उससे पहले मैं आप लोगों को घर दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा घर है, मैं इस रूम में रह रहा हूँ। और इधर बुद्धिस्ट जो धर्म है ना, वहाँ बुद्धिस्ट धर्म के आदमी बहुत मिल जाएंगे। और ये जहाँ पे मैं हूँ, आंटी लोग भी बुद्धिस्ट है, तो ओम मणि पद्मे हो गया, सब फ्लैक्स है, जगह जगह मिल जाएगा। और पानी यहाँ पे वाटर सप्लाई ऐसा आता है, तो पानी बहुत ही अच्छा है, यहाँ का पानी बहुत साफ है मैंने देखा। और ये देखिए घर के बाहर कैसे दिखा, रास्ता है घर के बाहर ऐसा दिखाई देता है। वाह, देखिए वादियाँ पहाड़, क्लाउड फॉगी, देखिए क्लाउड और स्काई मिल गया ऐसा लगता है। अभी थोड़ा धूप हो गया, सनराइज हो चुका है, तो अभी थोड़ा खुल गया है, थोड़ा साफ हो गया, नहीं तो ना और वो दिखाई देता है। और फॉगी था सुबह को। और यहाँ आगे के साइड जो है, यहाँ पे जो खाली जो जगह है, यहाँ पे लोग खेती करते हैं। उन लोगों का कहना है कि कॉर्न वगैरह वगैरह बहुत सारा खेती होता है, उन लोगों का ऐसा कहना है। ये देखिए पहाड़ लग रहा है ना खूबसूरत। ये देखिए, और सुबह को और थोड़ा अच्छा था। ये देखिए, मैं सुबह को कहीं गया था तो दिखा नहीं पाया। और घर के पीछे भी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर क्लाउड क्लाउड है, ये देखिए बेहद खूबसूरत है, बेहद मोह मोह के धागे। क्लाउड ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखिए। आज इसी रास्ते होके वी विल बी गोइंग टू सी द इंडियस स्टार मोस्ट लास्ट विलेज जो इंडिया का है ना, उधर उधर जाने वाले आज इसी रास्ते से। आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, मैं सारा चीज़ दिखाते रहूँगा। ये था यहाँ मैं जहाँ पे रह रहा था, यहाँ का रहन सहन आदमी लोग कैसा है, वो थोड़ा दिखाने की कोशिश कर लो। और ये देखिए, मैं जब आया था ऐसे गाड़ी में आया था, ऐसे गाड़ी में आना पड़ता है, यहाँ पर मिलता है वैसे सुमो वगैरह भी मिल जाता है, इसलिए मैं ऐसे में आया था। और ऐसा भी लगता है कि ये कश्मीर जैसा भी लगता है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये कश्मीर जैसा नहीं लग रहा है कि? देखिए थोड़ा मुझे तो कश्मीर कश्मीर भी लग रहा है, कश्मीर जो वैली है ना, ऐसा भी लग रहा है, बहुत सुंदर लगे। और ये रास्ता है, बॉर्डर एरिया का जो रास्ता है ना, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये देखिए रास्ता छोटा है, लेकिन हाईवे धीरे धीरे जो है बन बन के आ रहा है। अगर जब कंप्लीट हो जाएगा ना ये, वंस द वंस द रोड बिकम कंप्लीट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड बिकम्स कंप्लीट, देन बहुत लोग टूरिस्ट लोग आएंगे। एंड वन थिंग, यहाँ का एक इशू है, मैंने देखा कि यहाँ पे ना नेटवर्क का इशू है। यहाँ पे एयरटेल में, एयरटेल सिम अगर आपका हो है तो एक स्टिक ऐसा कुछ मिलता है, लेकिन काम नहीं करता। तो यहाँ पे सब लोग वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। और एक बार नेटवर्क और रास्ता आ जाए तो उसके बाद टूरिस्ट ही टूरिस्ट होंगे यहाँ पे, और आएंगे भी, क्योंकि देखिए बहुत खूबसूरत लगता है ना। ये देखिए अभी वॉकिंग करके थोड़ा दिखा रहा हूँ आप लोग। और हाँ, यहाँ पे पाइन ट्रीज बहुत मिल जाएंगे, जो शिलोंग में, जो मेघालय में जो दिखाई देते हैं ना, वैसे पाइन ट्रीज बहुत सारे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं जहाँ पे ईटानगर के साइड में जब था, वहाँ पे ऐसा पाइन ट्रीज नहीं था, लेकिन इस साइड में पाइन ट्रीज बहुत है बॉर्डर के सामने। ऐसा पेड़ आपको बहुत सारा नज़र आ जाएगा यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो। ये देखिए वाओ मैन, बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर। तो ये कश्मीर है, एक कश्मीर है, मौसम है।
क्या मजा आ रहा है यार। शांति है, पीसफुल है, और पॉल्यूशन भी नहीं है यहाँ पे, और नेटवर्क भी नहीं है, तो मजा आ रहा है। लेकिन मजा आएगा एक दो दिन आप लोग आके बैठ के। एंड लेट मी टेल यू, द पीपल्स आर यू नो हेयर इन दिस एरिया, इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, बहुत पॉपुलेशन कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। देखिए वो एक घर है, और वो एक घर है, और उन लोगों का उधर भी एक रिजॉर्ट बन रहा है, काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट बन रहा है ऐसा उन लोगों का कहना है। और कल थोड़ा देखा था मैं रात को, तो चले वहाँ पे वो भी जाके दिखा था। और ये देखिए सुअर, सुअर का सुअर भी पालते हैं यहाँ के लोग, और सुअर को पाल के बेचते भी है, खाते भी है। ये देखिए मैंने बोला था ना पाइन ट्रीज बहुत है यहाँ पे, तो पाइन ट्रीज सब जगह में यहाँ पे मिल जाएंगे इस वैली में, इस जो बॉर्डर है ना चाइना बॉर्डर के सामने, ये सब पाइन ट्रीज बहुत सारा है। और पहाड़ पहाड़ है, देखिए सब चारों ओर पहाड़ पहाड़ है। जो माउंटेन लवर्स है, जो मतलब क्लाउड देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए देखे ना कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए पहाड़ देखा आपने, और ये देखिए नीचे इधर में राइस का कल्टीवेशन भी होता है यहाँ पे, और जो मेज है ना मकई, मेज कल्टीवेशन होता है, ये सारा कल्टीवेशन यहाँ पे सारा होता है। और यहाँ पे ऐसा आर्मी का सेना का गाड़ी आप लोग को जगह जगह में ऐसा मिलता है। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग गाड़ी लेके आते हो ना तो छोटा गाड़ी लेके आइए, क्योंकि बड़ा गाड़ी लेके आने से ना रास्ता थोड़ा छोटा है। वैसा रास्ता बन बन के आ रहा है, एक साल के बाद ये रास्ता भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तब और मज़ा आएगा ट्रिप में, रोड ट्रिप में मज़ा आएगा तब। और सब पहाड़ है ऊपर धावर हुए, देखिए आर्मी का गाड़ी आ रहा है, तो आर्मी का गाड़ी ये बॉर्डर के सामने है ना, तो गाड़ी वगैरह जो है आते रहता जाते रहता ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। पैदल चल रहे हैं, गाड़ी चाहिए, मैं अकेला यहाँ पे इस वैली में, तो मैं अकेला पैदल चल रहा हूँ इस जगह में। यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपको, यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एयर पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रास्ता कितना खाली खाली, देखिए गाड़ी आता ही नहीं। कभी कभार जो सेना का जो गाड़ी है, फोर्सेस का, डिफेंस का गाड़ी कभी कभार आ जाता है, अप्स एंड डाउन से थोड़ा थक सा गया, लेकिन भी मैं फिट हूँ वैसे, फिर भी थोड़ा सा थक जाते हैं ना। और यहाँ पे सुबह से ही धूप निकल जाता है, और मैं पहुँचते वाला थोड़ा सामने है। सो देयर इज द प्लेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, यू नो, कोजी कॉटेज, कॉटेज कहना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए खूबसूरत है, और मालिक खुद बना रहे हैं। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना अंकल जी, वो खुद कारपेंटर का काम भी करते हैं, तो वो खुद बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे अंकल, ओ पीछे है ना हाँ। और यहाँ पे देखिए ना, वाह, इसके पीछे जब एक वंस ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप खिड़की खोल के इधर देखेंगे पीछे, जैसा वाडिया पहाड़ ऐसे देखेंगे, देखिए वाह क्या खूबसूरत है। मैं पीसफुल, आपको मतलब बहुत पीसफुल सा फील होगा यहाँ पे, देखिए ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ से। थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और वो देखिए ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो सब कुछ खुद करते। अंदर में घुस के आओ या क्या, चलिए अंदर जाते, अंदर जाके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा इतना बड़ा है ये रूम, आराम से बैठ, यहाँ पे कितना का दो बेड रहेगा ना क्या, तो अच्छा दो बेड, और पीछे यहाँ पे आपको वो अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए बाथरूम का काम चल रहा है, और अंकल खुद से कर रहे हैं। और कितना दिन लगेगा आपको कंप्लीट करने में, हाँ 5 दिन में हो जाएगा ना, सिंक लग जाएगा उसके बाद हो जाएगा। बाथरूम भी ठीक ही है, इतना काफ़ी है, साइज़ जो है उतना छोटा भी नहीं उतना बड़ा भी नहीं। अच्छा ऊपर भी 3 वगैरह लगाना है उसके बाद कंप्लीट। और पीछे के साइड में कैसे दिखाई देता है ये देखिए, वाह पहाड़ उधर देखिए, क्लाउड्स पहाड़, और क्लाउड्स ने पहाड़ को ढक दिया है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। यहाँ पे कितना बैठ होगा, आपने कितना बैठ होगा बोला था, दो होगा ना, यहाँ पे दो बैठ होगा, मतलब इधर एक बैठ होगा, इधर एक बैठ, और इधर खिड़की, खिड़की भी बन रहा है ये देखिए। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स होने में कितना समय लगेगा, सिर्फ सीलिंग लगाना है ना, तो यहाँ पे सीलिंग वीलिंग लग गया तो हो जाएगा। ऊपर में कैसा कलर वाला वो टीन लगाएंगे ना क्या, अच्छा अच्छा। और ये देखिए ये तो बन गया है, इसको पेंटिंग करना है ऐसा बोल रहे हैं,
तो चलिए ये वाला तो ऑलमोस्ट खत बन चुका है। तो ये बालकनी है, ये देखिए यहाँ ग्लास भी लग चुका है, ग्लास वगैरह लग चुका है। वाह, बेड भी लग चुका है ना इधर। वाह वाह, आपका टैलेंट बहुत है, तो आप टैलेंटेड हो, आपने अकेले बनाया ना ये सब। वाह, और ये जो वुड्स है ना, ये वुड जो है, ये मैंने जो दिखाया था पाइन ट्री, ये पाइन ट्री का वुड है, तो सुंदर लगता है पाइन ट्री। लास्टिंग भी होता है ना, और ये वो नहीं खाता है क्या, वो जो इंसेक्ट जो कीड़ा जो खा लेता है, वैसा नहीं होता है ना। ओ टेल है, अच्छा हाँ पाइन ट्री का तेल होता है ना, तो इस बहुत सुंदर है, देखिए तगड़ा भी है और सुंदर भी लगता है। वाह, इसमें पेंटिंग करने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा ना, खिड़की से इधर दिखाई देते है, देखिए। वाह, रास्ता है फ्रॉन्ट साइड में, यू कैन गेस हाउ टैलेंटेड ही इज। गर्मी भी नहीं लगने वाला है, और यहाँ पे गर्मी लगेगा भी नहीं, हवा आते रहता है एनी टाइम। दरवाज़ा है, ऐसा दिखाई देगा आपको रूम के अंदर से, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये देखिए। और से ये इधर बाथरूम वगैरह भी बन चुका है, ये देखिए। तो आप लोग यहाँ पे आके आराम से बिंदास रह सकते हो, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे आके, मज़ा आएगा। लेकिन रहेगी जब ये कंप्लीट, मतलब और 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आके रह सकते हो। और इस जगह का नाम क्या है, मैं थोड़ा आप लोग को दिखा के बोल देता, बता देता हूँ। मैंने जैसे कहा था कि सेना का गाड़ी जो आर्मी का गाड़ी, आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा, ऐसे आते रहते जाते रहते। तो यहाँ पे आएंगे तो दूसरा गाड़ी कम ही दिखाई देगा, सब सेना का गाड़ी, फोर्सेस गाड़ी एक दो बीच बीच में आते रहे। और वहाँ पे लगने वाला है बोट, तो ये अंकल ने लगा दिया है रिजॉर्ट, और इस रिजॉर्ट का नाम है, जब आप लोग वालोंग पे आएंगे, इंडिया का लास्ट जो बॉर्डर एरिया के सामने आएंगे, चाइना और इंडिया के बॉर्डर के सामने अरुणाचल प्रदेश में, तो नामती रिजॉर्ट इस जगह में आइए। ये देखिए, लॉजिंग, फूडिंग, बॉनफायर, कैंपिंग, मतलब सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे रह पाएंगे। और ये जो कॉटेज बन रहा है छोटा छोटा, जो ब्यूटीफुल कॉटेज जो बन रहा है, इस कॉटेज भी संडे था। अच्छा अच्छा, दोंग जो सनराइज़ है ना, जो इंडिया फास्ट सनराइज़, वो इधर भी दिखाई देता है, उनका कहना है। और ये कंप्लीट हो ही चुका है, एक तो कंप्लीट हो चुका है, और 5 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जब आएंगे, ये बहुत सुंदर हो जाएगा, यहाँ पे सब लोग ये साफ ताफ कर देंगे, पेंटिंग वेंटिंग कर देंगे, तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो यहाँ पे आइए, आके यहाँ पे आप लोग रह सकते हैं। और इसका पर डे का, पर नाइट का कितना हो सकता है, कुछ सोचा यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे रहने का कितना होगा? 1800। तो मतलब 1800 में आप लोग यहाँ पे आके रह सकते हो, और दो बेड होगा, दो आदमी आराम से यहाँ पे आके रह सकोगे। ओके, तो ये था सुबह का नज़ारा, और यहाँ का सराउंडिंग है का रहन सहन आप लोग को दिखा दिया, और जो नया जो रिजॉर्ट बन रहा है, जो कॉटेज वगैरह जो बन रहा है, वो सब आप लोग को दिखा दिया, और कंप्लीट होने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग आइए यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। बस मैं कह रहा हूँ ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग के यहाँ आएंगे तो बहुत पीस मिलेगा आपको, बहुत शांति मिलेगा, और मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये आसमान, ये क्लाउड्स, इट विल ब्लो योर माइंड, कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आइए, अंजाव डिस्ट्रिक्ट पे है ये, अंजाव डिस्ट्रिक्ट का वालोंग बोल के जगह है। यहाँ पे ये, यहाँ पे जो सनराइज़ होता है दोंग में होता है, सामने होता है यहीं पर थोड़ा आगे। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रुके, ये इस कॉटेज में, इस होम स्टे में आप लोग को मज़ा आ जाएगा। ओके, तो फिर दूसरा मैं जगह में आज जाने वाला हूँ, उसका वीडियो अलग से बना के मैं अपलोड करते रहूँगा। मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, रणबीर हंस से ब्लॉग को फॉलो करते रहिए, मैं सारा चीज़ एक एक करके डालते रहूँगा। सो सी यू सून, बाय बाय।